तो गाइस आप भी अगर आपने सिम कार्ड पे रिचार्ज करते हैं ना, आपको नहीं पता कि जियो एयरटेल बीएसएनएल ने सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान कौन सा बनाए, तो आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग गलत रिचार्ज करवाते हैं। मतलब उनको एक रिचार्ज जरूरत होती है एंड वो अदर्स को रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आज के वीडियो आप मान रही है ना, इस पर आप लोगों को जैसे मैं रिचार्ज, कॉलिंग रिचार्ज, अनलिमिटेड रिचार्ज सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके मोबाइल पर ऑलरेडी इंस्टॉल है एंड उस ऐप से जाकर अगर आप रिचार्ज करोगे तो आपको हर एक रिचार्ज पर डिस्काउंट में मिलेगा बार बार के, जो कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो को जरूर तक देखना, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कॉलिंग रिचार्ज प्लान के बारे में बात करेंगे। जो प्लान सबसे पहले हम एयरटेल में बात कर लेते हैं, एयरटेल में जो सबसे सस्ता अभी के टाइम पर कॉलिंग पैक है वो है 199। बहुत सारे लोग रिचार्ज करते हैं इस प्लान पर। आप लोगों को 28 दिनों को वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल एंड यहाँ पर आप लोगों को 300 SMS देखने को मिल जाएगा, 28 वैलिडिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सबसे सस्ता एयरटेल में कॉलिंग वाला प्लान है, इस पर 2 GB का डाटा भी मिल जाता है। अब दूसरा बात आ जाते हैं जो भैया है, इस पर कॉलिंग वाला रिचार्ज आप लोगों को मिल जाएगा 155 रुपीज पर। आप लोगों को देखोगे 20 डेज के आसपास आप लोगों को एक वैलिडिटी रिचार्ज प्लान देखने को मिल जाते। अब जो आ जाते हमारे पास जियो, अब जियो पर कॉलिंग प्लान की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के प्लान आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जियो पर टाइप अभी 3 है, आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो जियो का जो पुराना वाला मोबाइल है, जो बहुत पुराना वाला मोबाइल था, उस मोबाइल अगर किसी के पास है तो वहाँ पर 75 रुपीज सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है। ओके 75 रुपीज का, जिस पर 24 डेज का वैलिडिटी मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉल वगैरह मिल जाता है। अब उसके ऊपर में आ जाते हैं जियो वालों, जो अभी के टाइम पर लॉन्च हुआ है, ये रिचार्ज 123 रुपीज अगर वो मोबाइल अवेलेबल है तभी काम करेगा। 123 रुपीज रिचार्ज करोगे तो वहाँ पर काम चल जाएगा, 20 डेज वैलिडिटी मिल जाएगा, डेली 500 MB का डाटा मिल जाएगा। आप बात कर लेते कि जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो वो क्या रिचार्ज कर सकते हैं कॉलिंग के लिए, सबसे सस्ता वो है 189 रुपीज का प्लान है ये जियो पर, जहाँ पर 2 GB का डाटा 300 SMS देखने को मिल जाते हैं, 300 SMS देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड कॉल पूरा 28 दिनों के लिए देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत बढ़िया प्लान है। आप बात कर लेते हैं BSNL में, तो BSNL में सबसे सस्ता वैलिडिटी एंड कॉलिंग जो प्लान है वो है 94 रुपीज का प्लान है, जो बहुत बेहतरीन प्लान है, 30 डेज का आप वैलिडिटी देखने को मिल जाते हैं। उससे भी एक बहुत बेहतरीन प्लान है जो की 107 रुपीज का प्लान, जो बहुत बेहतरीन प्लान है। आप दूसरे पे हम बात कर लेते हैं SMS वाला प्लान। आप देखो SMS वाला प्लान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस प्लान को मान लो हम फोन पे गूगल पे ओपन करना चाहते हैं, या हम कोई बैंक का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या कोई भी काम हम कर सकते SMS के लिए अगर करना चाहते, तो SMS रिचार्ज बहुत सारे लोग नहीं जानते एंड वो लोग बड़े बड़े रिचार्ज करवाते सिर्फ और सिर्फ मैसेज निकालने के लिए, बहुत सारे लोग पोर्ट करने के लिए भी रिचार्ज करते हैं, जो बड़े बड़े रिचार्ज कर लेते। तो देखो SMS रिचार्ज जो सबसे सस्ता एयरटेल पर है वो बहुत ही महंगा है, 199 रुपए से है, उसके नीचे पर कोई भी SMS रिचार्ज अभी के टाइम पर एयरटेल पर अवेलेबल नहीं है, बट VI पर अवेलेबल है कि 99 रुपीज अगर आप रिचार्ज करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पोर्ट SMS को निकाल सकते हो, जो कि अभी के टाइम पर लगभग सिटी पर अवेलेबल है, उस सिटी पर बना है, पर ज्यादा से ज्यादा जगह पर 99 रुपीज रिचार्ज करोगे तो आपका पोर्ट SMS निकल जाएगा। बट ये रिचार्ज को करके आप फोन पे, गूगल पे या अदर्स कोई SMS सेंड नहीं कर पाओगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, जिसके लिए आप लोगों को रिचार्ज करना पड़ेगा मिनिमम 155 रुपीज, तभी आप फोन पे, गूगल पे SMS वगैरह सेंड वगैरह कर पाओगे। अब उसी जगह पर हम बात कर लेते जियो के, तो जियो पर भी सेम टू सेम कॉलिंग वाले प्लान है, 189 रुपीज वो रिचार्ज करोगे तभी आप लोगों को वहाँ पर SMS, फोन पे, गूगल पे सबको लिंक कर सकते हो। अगर आप सेम प्रोसेस को BSNL में बात करें कि SMS रिचार्ज कौन सा प्लान है, तो SMS रिचार्ज बहुत सारे, बट आप अगर फोन पे, गूगल पे लिंक करना चाहते या पोर्ट करना चाहते हो तो नॉर्मली आप लोगों को रिचार्ज करना पड़ेगा 107 रुपीज एक स्पेशल वैलिडिटी वाला प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप लोगों को 10 रुपीज का टॉक टाइम वाला रिचार्ज करना पड़ेगा। अब 10 रुपीज का जो आपको बैलेंस मिलेगा 7 रुपीज का, 70 पैसे का, उस पैसे का आप SMS निकाल पाओगे, तो नॉर्मल से बात नहीं। अब इसके बाद जो आ जाता है डाटा वाउचर वाला प्लान, देखो हम बहुत सारे लोग तो बहुत सारे रिचार्ज करते हैं, मान लो एयरटेल जियो VI का, आप अगर वो नियत खत्म हो जाते तो हमें डाटा प्लान रिचार्ज के एड ऑन प्लान रिचार्ज करना पड़ता है। देखो एयरटेल में एड ऑन प्लान बहुत सारा है, जिसमें से ज्यादा अभी के टाइम पर जो लोग रिचार्ज करते हैं वो है 22 रुपीज, जहाँ पर आप लोग एक दिन के लिए वैलिडिटी मिल जाते हैं, 1 GB का डाटा मिल जाता है। हालांकि इससे भी सस्ता प्लान है जो कि है 11 रुपीज का, जहाँ पर 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड आप लोगों को डाटा मिल जाएगा, तो ये बात जिससे काम करता अगर इंटरनेट खत्म हो जाए तो ये प्लान बहुत बेहतरीन प्लान है। बाकी ज्यादा से ज्यादा जो लोग रिचार्ज करते हैं वो रिचार्ज करते हैं 22 रुपीज, पर ये मेरे ख्याल से नुकसान वाला प्लान है, क्योंकि जो 1 GB का डाटा मिलेगा अगर आपने यूज नहीं किया तो वो रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत गलत है। और इसके लिए अगर आप सस्ता रिचार्ज करना तो 51 रुपीज का एक प्लान है, जिसमें 3 GB का डाटा, 77 रुपीज का एक प्लान है, जिस पर आप लोगों को 5 GB का डाटा देखने को मिल जाता है, जिसका कोई लिमिट वाला कोई वैलिडिटी नहीं है, जो बहुत बेहतरीन है। सेम टू सेम है VI पर भी, यहाँ पर आप लोग को जैसे 22 रुपीज, 48 रुपीज एंड सभी प्लान है, पर थोड़ा सा देखकर आप लोग को रिचार्ज करना पड़ेगा,
जो प्लान पर बैलेंस नहीं रहेगा उस टाइप का प्लान को रिचार्ज करो एंड्रॉइड मोबाइल में, क्योंकि आज अगर यूज नहीं किया तो कल को भी आप यूज कर पाओगे, बट अगर एक दिन के लिए जो रहेगा वो रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। जियो का सबसे सस्ता एंड बेस्ट जो है डाटा वाउचर प्लान, क्योंकि जियो का सबसे ज्यादा इंटरनेट लोग यूज करते मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर 19 रुपीज पर है, मतलब 90 रुपीज पर आप लोगों को 1 GB का डाटा मिल जाएगा, जहाँ पर कोई वैलिडिटी नहीं। आपका जो एक्टिव प्लान रहेगा, जो ऑलरेडी प्लान रहेगा, उसका जितने दिन तक वैलिडिटी रहेगा सेम टू सेम वैलिडिटी पर ये काम करेगा। आप लोगों को 19 रुपीज पर आप लोगों को 1 GB का डाटा, 29 रुपीज पर आप लोगों को 2 GB डाटा, एंड सभी डाटा बहुत प्रॉफिटेबल है एंड मतलब अच्छा खासा है, वैल्यूएबल प्राइस में अवेलेबल है, जिसकी एयरटेल भी है थोड़ा सा महंगा है एंड थोड़ा सा टाउन कंडीशन ज़्यादा है। अगर हम BSNL की बात करें तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही सस्ता एड ऑन प्लान देखने को मिल जाता है, जैसे 16 रुपीज, 58 रुपीज, अब अच्छा खासा आप लोगों को प्लान देंगे। जैसे सारा प्लान को आप और भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, वीडियो के एंड तक देखो, हम लोगों को सारा चीज़ें पता चल जाएगा। आप मान लो आप सबको रिचार्ज करना चाहते हो, बाकी देखो अगर हम मैंने अनलिमिटेड प्लान या 5G प्लान के बारे में अभी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो एयरटेल में 5G अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप लोगों को मिनिमम 300 रुपीज़ के ऊपर पर रिचार्ज करना पड़ेगा, तब आप लोगों को 5G प्लान देखने को मिल जाएगा। एंड जो एयरटेल में सबसे सस्ता इंटरनेट एंड कॉलिंग पैकेज है वो है 249 रुपीज़ का, 249 रुपीज़ का जो प्लान है वही है 1 GB डाटा अनलिमिटेड को 8 दिनों का वैलिडिटी। अगर हम VI की बात करें तो सेम टू सेम वही प्लान है। अगर जियो की बात करें तो 199 वाला प्लान है, जहाँ पर 8 दिन की वैलिडिटी एंड वहाँ पर आप लोगों को 18 दिन की वैलिडिटी एंड 5 GB डाटा अनलिमिटेड कॉल, इसमें वगैरह सबको देखने को मिल जाते हैं। अगर BSNL की बात करें तो 127 रुपीज़ पर आप लोगों को 10 GB डाटा अनलिमिटेड कॉल वगैरह 30 GB वैलिडिटी देखने को मिलती है। और भी बहुत सारा आ जाओ प्लान है जिसके बारे में अगर मैं बताने जाऊँ तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि वीडियो छोड़कर आप भाग जाओगे। अब मेन मुद्दे पर आ जाते कि हम किस जगह से रिचार्ज करें तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमें मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 80% लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म फ्री देकर रिचार्ज करते हैं। हालांकि गूगल पे नहीं लगते, बट जल्द से जल्द लग जाएगा वो नहीं। आप ऐप कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ से अगर रिचार्ज करोगे तो आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के लिए वैसे भी एयरटेल थैंक्स ऐप है, वहाँ से जाकर अगर रिचार्ज करोगे तो पहले रिचार्ज पर आप लोगों को 10 से 20 रुपीज़ का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अगर हम करना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को देखो और भी बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जियो VI पर आप बहुत सारे जगह से कर सकते हैं, अमेजन वगैरह से भी बहुत अच्छा खासा ऑफर मिल जाता है। अगर ऑफर मिल जाते तो यहाँ से कर लेना, ऑफर ना मिले तो वेट करो, आपको लिए भी स्पेशल ऑफर है। अब देखो मेन मुद्दा आ जाता है कि आओ अगर जियो का है तो जियो का लिए बहुत बढ़िया ऐप है, जियो का ऐप है जियो पॉस लाइट। ये आप प्ले स्टोर से स्टोर कर रजिस्ट्रेशन करोगे एंड लोड करोगे तो लगभग 3% के आसपास आप लोगों को कमीशन देखने को मिल जाएगा एंड वो कैशबैक लेकर कमीशन लेकर आप रिचार्ज कर सकते हो बार बार बार। अब अगर तीनों को नहीं करना चाहते तो बैलेंस वगैरह ऐड आपको जंजाल लगते कोई दिक्कत बने बात नहीं, आपके मोबाइल पर फ्लिपकार्ट ऐप है ये मैं जानता हूँ एंड आप भी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट ऐप आपके मोबाइल पर है एंड फ्लिपकार्ट ऐप है, इसका मतलब है कि आप शॉपिंग वगैरह भी करते हो एंड उसमें शॉपिंग के कुछ ना कुछ सुपर कॉइन आपके अकाउंट में पड़े रहेगा, ये भी गारंटी वाले बात। अगर आपके नहीं कोई दोस्त वगैरह का देख लो कि उसका सुपर कॉइन होगा, अगर आप फ्लिपकार्ट से जाके सुपर कॉइन में जाके रिचार्ज करोगे तो आप जितने भी रिचार्ज करोगे उस पर आप लोगों को 10% अप टू 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लो 200 रुपीज का रिचार्ज करोगे और फ्लिपकार्ट से जाके आप UPI के थ्रू पेमेंट करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जितने बार रिचार्ज करोगे एप्लीकेबल है एंड बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि सुपर कॉइन सबके साथ सबके अकाउंट पे पड़े पड़े वो घिस जाते एक्सपायर हो जाते, बट आप अगर एक टू रिचार्ज करके डिस्काउंट ले लोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कैशबैक वगैरह के भी चक्कर नहीं, डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा एंड बहुत अच्छा चीज़ है कि आप जितने मर्जी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, जितने सुपर कॉइन आपका है यूज करो एंड रिचार्ज करो एंड खत्म करो, बहुत बेहतरीन बात है। तो जितने भी सस्ता रिचार्ज प्लान था सबके बारे में बता दिया, बाकी आदर्श कोई भी डिटेल जानना चाहिए, कोई भी प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं जस्ट एक कॉमेंट कर दो, उसके ऊपर भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। बाकी आप फ्लिपकार्ट से जाके ये सारा जो प्लान मैंने बोला ये सब कुछ चेक कर सकते हो। हालांकि BSNL का प्लान बहुत ही ज़्यादा अप डाउन होते रहते, इसके लिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स पर बात नहीं की, बाकी आप कमेंट बॉक्स में फॉलो कर ले, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट करो, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करता, आज के लिए इंग्लैंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जनरल मात्र थैंक यू, बाय बाय।